हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आपने कभी एक्टिवेशन का एरर जरूर देखा होगा। ये क्या होता है कि जो हम एमएस ऑफिस विदाउट लाइसेंस यूज करते हैं, तो उसमें ऐसा एरर आता है, ठीक है। वो एक्टिवेट करने के लिए पूछता है अपने से, तो हमारे पास लाइसेंस है नहीं, तो हमको वो क्या करना पड़ता है, फिर हमको क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों को यही जानकारी देने रहा हूँ कि ये जैसे रेड आप ना टॉप में देखिए, आप रेड आएगा एक्टिवेशन फेल्ड, और यहाँ पे एक्टिवेशन रिक्वायर्ड करके ऑप्शन आएगा। ओके, तो अपने को क्या करना रहता है कि उसको या तो अपने को एक ऑप्शन है, लाइसेंस परचेज करो और एक्टिवेट करो, या तो फिर अपना क्रैक वर्जन यूज करो, ठीक है। तो इसमें मैं जानकारी वही देख रहा हूँ कि अभी दे रहा हूँ आपको कि क्रैक करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये अभी मैं ये अपना रीलोडर करके अपना क्रैक फाइल है, ठीक है। ये आपको गूगल से सर्च मारोगे तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप अपने को कॉल करोगे तो ये तो मैं आपको ये मेल पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप मेल अपने ईमेल आईडी से मेल करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। उस पर ये क्रैक फाइल आप इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट कर सकते हो अपने एमएस ऑफिस और विंडोज़ को, दोनों को, ठीक है। तो ये आपको गूगल पे भी आसानी से मिल जाता है सर्च करने पे, ठीक है। उस पर ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको इस पर ऑप्शन लेने का है, एम एस ऑफिस 16, 15 और ये है ऑप्शन 14, ठीक है। तो हमारा एम एस ऑफिस 13 था, तो हमने क्या लिया 15 को, वहाँ पे ऐसा सेलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी मेरा एक्टिवेटेड हो गया, ग्रीन लाइट आ गई, मतलब एम एस ऑफिस एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो एक्टिवेट पे क्लिक किया हमने, आपने देखा, और उस पर एक्टिवेट हो गया और ग्रीन लाइट भी हो गई या कंप्लीटेड भी लिख के आ रहा है। ओके, अभी हम आपको एक्सेल ओपन करके दिखा रहे हैं। पहले एक्टिवेशन फेल आ रहा था, अभी ये एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेशन सक्सेसफुली, मतलब योर प्रोडक्ट इज एक्टिवेटेड करके दिखाएगा। ओके, तो ये अपना ये प्रोडक्ट जो है एक्टिवेटेड हो गया। जस्ट एक सेकंड, अभी ये मैंने फाइल में गया, एक्टिव आ ये देखो एक्टिवेटेड दिखा रहा है ना, अभी प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है। ओके, तो ये आसानी से आप क्रैक फाइल से आप क्रैक करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हमारा लाइसेंस के जैसे यूज हो गया, ये प्रोडक्ट एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। और एक दूसरा ऑप्शन होता है कि ये कुछ दिन के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो एंटीवायरस होता है ना, उसको ये क्रैक फाइल को डिलीट कर देता है, क्योंकि वो वायरस समझ के डिलीट कर देता है। तो हर एक एंटीवायरस में एक्सक्लूड करके एक ऑप्शन होता है, जिसमें हम एक्सक्लूड में जाके वो फाइल या फोल्डर को एक्सक्लूड कर लेते हैं, जिसको हमको सेफली रखना है, जिसको हमको डिलीट नहीं करने देने का है, तो उसको ऐड में जाके एक्सक्लूड कर लेने का है। तो अभी मैं वो एक्सक्लूड ऑप्शन में गया, एंटीवायरस हमारे पास ई स्कैन का है, ठीक है। अभी ऐड में जाके मैं फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, उसके अंदर जो हमारा फाइल है ना, वो DLL फाइल के KMS का होता है, जो हम एक्टिवेट करते हैं वो KMS का फाइल है, तो उसको हम एक्टिवेट कर उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सी ड्राइव में गया, विंडोज में गया, अभी वहाँ पे अपने को वो हमारा फाइल दिखाई देगा KMS का। तो हम K टाइप करेंगे और KMS में जाके वो तीन फाइलें होती हैं जो हमको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। वो तीनों फाइलें आप ऐड कर लेंगे तो फिर वो आपका क्रैक निकलेगा नहीं, वो परमानेंटली सेफ हो जाएगा, तो उसको एंटीवायरस डिलीट नहीं करेगा। अदरवाइज आप सिर्फ क्रैक करके छोड़ देते हो तो कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो फिर से डिलीट कर देता है, ठीक है। तो अभी मैंने फाइल ऐड कर लिया, आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे ऐड कर रहा हूँ। ऐसा आप भी जाके ऐड कर सकते हो अपने एंटीवायरस में, हर एक एंटीवायरस में एक्सक्लूड का ऑप्शन रहता है, ठीक है। कोई भी एंटीवायरस हो उसमें एक्सक्लूड फाइल और फोल्डर का ऑप्शन आता है। तो मैंने ये जाके तीन फाइल हमारा देखा आपने, दो हुआ, एक और ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। टोटली तीन फाइल को हमने ऐड करके ये हमारा अभी तीसरा फाइल ऐड हो रहा है। ओके, ये हमने थर्ड फाइल को कर लिया। ओके, अभी मेरा 1, 2, 3, अब जो KMS का तीन फाइलें हैं, तीनों फाइलों को मैंने ऐड कर लिया, एक्सक्लूड कर दिया। ओके, अप्लाई कर देंगे, ये परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। अभी हमारा एम एस ऑफिस
विंडोज़ दोनों ही आप क्रैक यूज कर सकते हो। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए हमने दिया कि कुछ लोग जो नहीं परचेज कर सकते एमएस ऑफिस को और विंडोज़ को, तो वो अपना क्रैक करके अपना काम चला सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक कोशिश करें विंडोज़ लाइसेंस परचेज करें और लाइसेंस ही यूज करें, मैं तो यही सलाह देता हूँ। फ़िलहाल जिनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है वो ऐसा क्रैक करके आप यूज कर सकते हो। ओके, क्रैक फाइल आपको गूगल पे आराम से मिल जाता है आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये डाउनलोडिंग करने के बाद आप आराम से, जैसे मैंने बताया आपको, वो फॉलो करो और इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से करते जाओ, आपको एक्टिवेटेड हो जाएगा। ये देखा आपने कि हमारा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड हो गया, अभी आप इस बिंदास यूज करो, कुछ इशू नहीं। ओके, जानकारी अच्छी लगे शेयर लाइक करो, शेयर करो।